दोस्तों मैं वर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि हम लोग कई बार पढ़ते हुए डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर नॉर्मली भी हम कहीं भी जब अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन फील होता ही है। तो ऐसे में क्या करें कि हम मोटिवेटेड रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकें। बहुत से लोग कहते हैं ऑल द टाइम मोटिवेटेड रह सकें, तो आज इसी के बारे में मैं आपको कुछ 5-6 टिप्स बताऊँगा जो कि पर्सनली मुझे नहीं पता और लोग करते हैं नहीं, पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ उन टिप्स को, तो इनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि हम इंसान हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त मोटिवेटेड ही रहे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, जब आप डाउन फील करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखना ये टिप्स जो होंगी ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी दोबारे से आपके मोटिवेशन को बूस्ट करने में और दोबारे से आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, या फिर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार ये सुनिए, ऐप का यूज़ कर सकते हैं। डाउटनेट एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप 6th से लेकर 12th क्लास तक के मैथ्स के सॉल्यूशन और इसके अलावा IIT JEE वगैरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं तुरंत ही घर बैठे अपने कुछ सेकंड के अंदर। सिंपली आपको क्या करना है, इस ऐप की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम का फोटो लेना है, फिर आप चाहें तो इनके जो व्हाट्सएप नंबर है डाउटनेट का उस पर ही फोटो भेज सकते हैं, और जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही आप फोटो भेजेंगे कुछ सेकंड के अंदर ही आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना कमाल की ऐप। और अब तो ये ऐप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस ऐप का यूज़ करें डाउटनेट का और सारे डाउट का एंड कर दीजिए। जी दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानना, बिलीव इट और नॉट, सच्चाई यही है कि जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं तब आप कोई अगर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल मूवी देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से वो जो चीज़ होती है ना वो हिट होती है, किक लगती है और आप दोबारा से अपने वर्क पे, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, राइट। तो बहुत से लोग कहेंगे यार ये तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, ये है वो है, लेकिन यार कई बार क्या होता है ना, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन करना भी ज़रूरी होता है। मान लो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो इन दैट केस आपको इस चीज़ का यूज़ भी कर लेना चाहिए। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट टिप है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था वो काफ़ी परेशान हो जाया करता था कभी कभी ऐसे ही बिना वजह के। एक बार वो रास्ते में कहीं जा रहा था तो जाते जाते वो पहाड़ों की तरफ चला गया और वहाँ पे जाते हुए उसको एक इंसान मिले तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे करके जो भी था उनकी बातचीत होने लगी। तो उसने कहा कि मैं अपने काम में कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, कई बार बोर हो जाता हूँ, कई बार परेशान हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए इधर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उस लड़के ने कहा हाँ जी ऐसा है। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूँ जिससे कि तुम जब भी परेशान हो तो उस चीज़ को तुम इस्तेमाल कर सको और तुम्हारी सारी परेशानी चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो उस लड़के ने कहा कि जी बहुत अच्छा लगेगा, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई जादुई चीज़ है भी इस दुनिया में। लेकिन तो उन्होंने उसको एक बॉक्स दिया और ये कहा कि जब भी तुम परेशान हो इस बॉक्स को तभी खोलना और इसमें जो है उसको देखना, राइट, उससे पहले मत खोलना। उस लड़के ने कहा ठीक है। अब उस टाइम वहाँ तो हिल स्टेशन पे जहाँ भी था वो आया हुआ था, तो खैर फिर वो वापस चला गया। फिर एक दिन ऐसी उसको प्रॉब्लम हुई, वो डीमोटिवेट हुआ, डीमोटिवेशन उसको फील हुआ, तो उसने उसके याद आया कि ऐसे ऐसे कोई इंसान मिले थे मुझे और उन्होंने मुझे बॉक्स दिया था एक। तो उसने क्या किया, उस बॉक्स को खोला और खोल के देखा तो उसके अंदर एक छोटा सा एक पर्ची थी, राइट, उसके अंदर कोई जादुई पत्थर या कुछ ऐसा नहीं था, एक छोटी सी पर्ची थी जिस पे लिखा हुआ था ये वक्त न ठहरा है। जी हाँ, ये वक्त न ठहरा है। और जैसे ही उसने वो चीज़ पढ़ी उसके अंदर जैसे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, उसके अंदर जैसे कुछ सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ अच्छा सा लगने लगा, जैसे वो जैसे अच्छी हवाएं चलने लगी हो, ऐसा कुछ उसको फील हुआ। तो गाइस बेसिकली है क्या, ये वक्त ना ठहरा है, ये एक ऐसी लाइन है जब भी आप परेशान हो या डीमोटिवेट हो, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फील करेंगे, क्योंकि जो भी बुरा वक्त चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो धीरे धीरे बीत जाएंगी। इस लाइन को पढ़ने से ये चीज़ हमें समझ में आती है। लेकिन मेन चीज़ ये है, जब भी आप डिमोटिवेटेड करें तो इस लाइन को आप पढ़िएगा, ये वक्त ना ठहरा है, और आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बोलेंगे, और ख़ासकर जब आप परेशान हो, डीमोटिवेटेड हो, तो बस ये बोलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है,
तो आप देखेंगे कि एक अलग सी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर का जो डीमोटिवेशन है वो तुरंत गायब होना शुरू हो जाएगा और आपको ये चीज़ लगेगा कि अभी जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और दोबारा से आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। राइट गाइज, अभी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात तो नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इनको करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद गाइज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। जब भी आप डीमोटिवेटेड होते हैं या परेशान होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करें तो उससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे जाएगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से। गाइज तो इस चीज़ का आप यूटिलाइजेशन करें, उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, एटलीस्ट ऐसे टाइम में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, जहाँ पे आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और दोबारा से आप फोकस कर पाएंगे, मोटिवेटेड फील कर पाएंगे। इसके बाद गाइस जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स को याद करो। जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, मे बी एग्जाम्स या फिर व्हाटएवर इट इज़ मार्क्स वगैरह, जो भी चीज़ हो अपनी लाइफ में छोटी से छोटी अचीवमेंट आप क्या करो, मैं चाहता हूँ आप लिखो, एक पेपर पे लिखो। शायद आपके किसी क्लास में आपको अच्छे मार्क्स आए हो, चाहे आपको शायद आपको किसी चीज़ के लिए किसी ने अप्रिशिएट किया हो, शायद आपने किसी की हेल्प की हो, उसने आपको काफ़ी दुआएं दी हो, शायद आपके अच्छे मार्क्स आए हो, शायद आपको कोई अवार्ड मिला हो, शायद आपने कोई रेस जीती हो, शायद आपने कोई मार्शल आर्ट्स का कॉम्पिटिशन जीता हो, या जो भी है आप लिखिए, आप एक पेपर पे लिखिए, छोटी से छोटी अचीवमेंट भी लिखिए। ये मत सोचिए कि यार ये तो कुछ नहीं है, सब लिखिए और उनको पढ़िए। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें उन अचीवमेंट्स को पढ़िए, आप देखेंगे दोबारा से आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको ये चीज़ फील होगी कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। राइट, और ये वाली टिप कमाल की है और ये काम करती है। इसके बाद गाइज फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप और सबसे इफेक्टिव टिप है मेडिटेशन। जब भी आप डीमोटिवेटेड, परेशान या कुछ भी हो या नॉर्मली भी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं इवन 5 मिनट करने से भी, आप देखेंगे एकदम से आपका जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल है यूँ गायब हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। ईयर प्लग लेके आइए, कान में लगाइए और धीरे धीरे करके मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप रिलैक्स फील कर सकें, स्ट्रेस लेवल डाउन हो और दोबारा से आपका मोटिवेशन बूस्ट हो और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो बस दोस्तों यही थी कुछ प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव टिप्स जिनकी हेल्प से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।